हेलो बच्चों, मेरा नाम है नरेश कुमार और मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ साइन कॉस क्लासेस पे। ये एट क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है, और हम लोग इसको आज सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से इसको क्या करो, फोकस करो। अच्छा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ द इंटरेस्ट ऑन 2500 बी मोर देन द इंटरेस्ट ऑन रुपीज इतना बाई 60 रुपीज इन 3 ईयर एट द सेम रेट परसेंट, फाइंड द रेट। ठीक है, हमको क्या निकालना है, रेट निकालना है। दिया हमको ये क्वेश्चन, ये बोला है कि कोई आदमी इतना पैसा लेता है, राइट, और एक और आदमी इतना पैसा लेता है। ठीक है, तो इतना जो पैसा लेता है उसका सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा होगा, अफकोर्स ज्यादा होगा। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट जो है, इस पे जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा और इस पे जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट इस सिंपल इंटरेस्ट से कितना रुपीज ज्यादा है, 60 रुपीज ज्यादा है। ये क्वेश्चन बोला है कि इस पे जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा ना, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट इसके सिंपल इंटरेस्ट से 60 रुपीज ज्यादा है। जबकि ईयर भी सेम दे दिया है और क्या दे दिया है, रेट भी क्या दे दिया है, सेम दे दिया है। ये दो चीज तुमको क्या दे दिया है, सेम दे दिया है। और उसके बाद क्वेश्चन पूछा है फाइंड द रेट, हमको क्या पूछा है, फाइंड द रेट। तो पहले हमको क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का क्या प्रोसेस है, पहले जो गिवन में दिया है उसको लिखिए। तो गिवन में क्या दिया है, गिवन में दिया है P1, दो एक P1 है तुम्हारा 2400, राइट, दूसरा P2, क्योंकि दो दो है, दूसरा P2 है 2000, राइट। और क्या दिया है, टाइम दे दिया है। T1 भी क्या दे दिया है, 3 ईयर, और T2 भी क्या होगा, 3 ईयर, क्योंकि दोनों में क्या है, सेम है, राइट। और रेट भी क्या दे दिया है, सेम दिया है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ R1 = R मान लेता हूँ, और R2 = भी क्या होगा, R ही होगा, क्योंकि रेट भी क्या दे दिया है, सेम दे दिया है। इतना चीज हमको क्वेश्चन में दे दिया है और पूछा है बताओ रेट क्या होता है, और एक ये इन्फॉर्मेशन दिया है कि इसका सिंपल इंटरेस्ट इसके सिंपल इंटरेस्ट से 60 रुपीज ज्यादा है। सिंपल सी लैंग्वेज में क्या करेंगे सर, पहले इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालो, पहले इसका निकालो फिर इसका निकालो। तो सिंपल इंटरेस्ट S1 मतलब इसका सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होगा, P1 × R1 × T1/100, यस या नो, यस। तो P1 हमारा कितना है बोलो, 2400। R1 हमारा कितना है, R1 हमको नहीं दिया, R ही लेके चलेंगे, तो R, और T1 हमारा कितना दिया है, 3/1000, ठीक है। तो ये देखो यहाँ, इससे ये कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 4 × 3 = 12 और 3 × 2 = 6, यानी 72R। पहला हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया, 72R, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब देखो इसी तरह क्या मान लो, निकालो सिंपल इंटरेस्ट 2 निकालो, इसका क्या हो जाएगा, P2 × R2 × T2/100। P2 हमारा कितना दिया हुआ, देखो यहाँ 2000, R2 हमारा कितना दिया हुआ, R ही दिया हुआ है ना, R ही दिया हुआ है, और T2 हमारा कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, डिवाइडेड 100। तो इसको क्या कर दो, कट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 23 × 60 R, यानी SI2 यानी दूसरा सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया हमारा, इतना आ गया 60R आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ S1 भी निकालिए, मतलब सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट भी निकालिए और सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड भी निकालिए। अब देखो यहाँ रिलेशन पे ध्यान दो, क्या बोला है क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू यहाँ लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या बोला है, इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, यानी ये जो सिंपल फर्स्ट तो इसी को माने ना, इसका सिंपल इंटरेस्ट इसके सिंपल इंटरेस्ट में कितना ज्यादा है, 60 ज्यादा है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, इसका यानी SI1 इक्वल टू कितना ज्यादा है इससे बताओ, 60, यानी SI2 + 60 प्लस। इसमें क्यों किए सर बताओ, क्योंकि देखो यहाँ ये वैल्यू क्या है, ज्यादा है इससे, है ना, और हमको क्या यहाँ क्या चीज का साइन लगा है, इक्वल टू का। अगर मैं बोलू 8 जो है 5 से 3 ज्यादा है, क्या मैं बोलू 8 जो है 5 से 3 ज्यादा है और दोनों में इक्वल टू करना है, तो हमको किस में प्लस करना पड़ेगा, छोटा वाला में, यस या नो, यस। तो उसी तरह यहाँ पे देखो, यहाँ ये वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट 1 जो है सिंपल इंटरेस्ट 2 से 60 ज्यादा है,
और यहाँ इक्वल टू का साइन है तो छोटा कौन है ये है, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तब तो दो इक्वल टू का साइन लगेगा, दोनों इक्वल होगा। बात समझ में आए? अब क्या करो, सबका वैल्यू पुट करो। सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट कितना है, 72 R। सिंपल इंटरेस्ट टू कितना है बताओ, 60 R और प्लस 60। अब क्या करो, इधर प्लस इधर क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 72 R माइनस 60 R इक्वल टू 60। ये कितना सेपरेट करेगा क्या हो जाएगा, 12 R इक्वल टू 60। यानी R इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 60 by 12, यानी 12 5 जार, यानी हमारा रेट क्या हो गया, रेट इक्वल टू 5%। ये हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहीं पे स्टॉप करते हैं। इस तरह का जो भी प्रॉब्लम हो क्या करो, स्क्रीनशॉट लो और नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम नंबर है, वहां पे क्या कर दो, सेंड कर दो। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।